हेलो दोस्त, C++ प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखो बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंटर्स के साथ यूज़ होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंटर्स के साथ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होते हैं जो C++ के अंदर उसका बहुत ही एक महत्व है। तो यहाँ पर कुछ नीचे दिए गए पॉइंटर्स के कंसेप्ट है, उसको हम इस C++ प्रोग्राम के वीडियो लेक्चर के अंदर उसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है C++ नल पॉइंटर। तो C++ नल सपोर्ट करता है नल पॉइंटर्स को, जो होता है कि एक कॉन्स्टेंट होता है, उसके साथ जीरो वैल्यू होती है और वो कुछ सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है। फिर आता है C++ पॉइंटर अरिथमेटिक। तो C++ के पॉइंटर्स के साथ हम चार तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस और माइनस। फिर आता है C++ पॉइंटर्स वर्सेस एरेज। तो C++ पॉइंटर्स और एरेज के बीच में एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। फिर आता है C++ एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो हम कोई भी नंबर की एरे डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम पॉइंटर्स को होल्ड कर सकते हैं। फिर C++ पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। तो C++ हमें अलाउ करता है कि हम पॉइंटर्स को दूसरे पॉइंटर और तीसरे पॉइंटर और इस तरीके से सो ऑन हम उसको पास कर सकते हैं। फिर आता है पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शन। तो हम जो हमारे पास कर सकते हैं उसको आर्ग्यूमेंट को बाय रेफरेंस और बाय द एड्रेस, दोनों तरीके से हम उसको पास कर सकते हैं हमारे फंक्शन के अंदर। उसके बाद आता है रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन। तो C++ हमें अलाउ करता है कि हम रिटर्न करें पॉइंटर्स फंक्शन की फंक्शन में से, लोकल वेरिएबल में या फिर स्टैटिक वेरिएबल में या फिर डायनेमिक अलोकेटेड मेमोरी में उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो आइए चलिए इन कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नल पॉइंटर्स के ऊपर। तो हम एक बहुत ही गुड प्रैक्टिस होगी कि हम जब भी पॉइंटर असाइन करें उसको नल पॉइंटर असाइन करें। इस केस में क्या होगा कि उसको एग्जैक्ट एड्रेस उसका असाइन नहीं होगा, और ये कब होगा कि वो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर ये होगा। पॉइंटर्स के जो नल वैल्यू के साथ असाइन हुआ है उसको हम नल पॉइंटर बोलते हैं। नल पॉइंटर है वो एक कांस्टेंट है जो उसके साथ ज़ीरो वैल्यूज डिफाइन होती है, जो कुछ सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है उसके अंदर होती है, जैसे कि IO स्ट्रीम के अंदर। अब नीचे का एक एग्जांपल हम देखें कि इसके अंदर हमने मेन में क्या हुआ कि INT PTR के अंदर हमने ले लिया नल। अब उसको cout कर दिया कि cout द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज़ PTR और रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि द वैल्यू ऑफ PTR इज़ ज़ीरो। इसी को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। यहाँ पर सेम प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, इसको हम कंपाइल और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ PTR इज ज़ीरो। यहाँ पर हमें ज़ीरो वैल्यू मिल रही है क्योंकि हमने इसको नल पॉइंटर असाइन किया था। इसके बाद जो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो प्रोग्राम को परमिट नहीं होती कि वो जो मेमोरी एड्रेस ज़ीरो है उसको एक्सेस करे, क्योंकि वो रिजर्व होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। लेकिन जो मेमोरी एड्रेस ज़ीरो होता है उसका स्पेशल सिग्निफिकेशन होता है, जो सिग्नल करता है कि जो पॉइंटर है उसको इंटेंडेड नहीं किया जा सकता, उसको पॉइंट नहीं किया जा सकता एक्सेसिबल मेमोरी लोकेशन के अंदर। लेकिन कन्वर्सेशन के अंदर क्या होता है कि अगर पॉइंटर जो कंटेन करता है नल ज़ीरो वैल्यू, तो वो एज्यूम करेगा कि ये पॉइंट है और उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हमें चेक करना है कि जो पॉइंटर हमारा है उसके अंदर नल वैल्यू है या नहीं, तो इसको हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इफ PTR अगर सक्सेस है तो सक्सेस वैल्यू, यहाँ पॉइंटर जो है वो इसके अंदर वैल्यू है, या फिर नॉट सक्सेस है तो उसके अंदर हम एल्स वाले स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। फिर आता है इफ़ नॉट PTR। यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो अगर सक्सेस नहीं है कि हाँ इसके अंदर नल नहीं है, तो उसके अंदर पहले नल नहीं है वाले स्टेटमेंट करेंगे। पहले स्टेटमेंट से यहाँ पर उल्टा कर दिया हमने, पहले ट्रू वाले नहीं, पहले फॉल्स वाले और उसके बाद ट्रू वाले स्टेटमेंट हम प्रिंट कराएंगे।
फिर आता है पॉइंटर अरिथमेटिक। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि पॉइंटर जो है वो एक एड्रेस है और उसके वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसके अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशंस को पॉइंटर्स के साथ, जैसे कि हम न्यूमेरिक वैल्यू में करते हैं उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम चार तरह की अरिथमेटिक ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस और माइनस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पॉइंटर अरिथमेटिक को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसिडर करें कि आपके पास एक पीटीआर इंटीजर है जो पॉइंटर करता है कि उसके अंदर जो उसका एड्रेस है वो 1000 है। अब मान लीजिए कि आपके पास 32 बिट का इंटीजर है, तो उसके अंदर हम कुछ ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको क्या होगा। जब मान लीजिए कि हमने पीटीआर प्लस प्लस किया, तो जो पीटीआर जो पॉइंट करेगा उसकी द लोकेशन होगा वो होगी 1004, क्योंकि जो पीटीआर जो होगा उसको इंक्रीमेंटेड कर दिया गया हो, उसको नेक्स्ट इंटीजर के ऊपर उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो वो ऑपरेशन क्या करेगा कि मूव कर देगा पॉइंटर्स को नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर, कोई भी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर कोई भी चेंजेस किए बिना उसको नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर मूव कर देगा। अगर मान लीजिए कि जो पॉइंटर पीटीआर पॉइंट्स है वो कैरेक्टर है, उसका एड्रेस 1000 है, तो जो उस हम पीटीआर प्लस प्लस के ऑपरेशन में क्या होगा कि जो अब जो उसकी ऑपरेशन होगा तो उसके अंदर वो 1001 के एड्रेस के अंदर उसको मूव कर देगा, और जो कैरेक्टर होंगे वो 1001 के एड्रेस के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। इसके अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, इंक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर। तो क्या करते हैं कि हम प्रीफर करते हैं कि यूजिंग अ पॉइंटर इन प्रोग्राम, कि हम उस एरे के जगह पर हम हमारे प्रोग्राम के अंदर पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंटर है वो उसके अंदर हम इंक्रीमेंटेड कर सकते हैं, एरे के अंदर हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्टेंट पॉइंटर होगा, एरे के अंदर डिफाइन किया हुआ वो कॉन्स्टेंट पॉइंटर होगा। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है डिक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट करें। तो उसके उसके अंदर भी सेम ही है कि इंक्रीमेंट पॉइंटर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट कर देगा, नंबर ऑफ बाइट्स जो डाटा टाइप्स होल्ड करती है वो। तो आइए इनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के एरिथमेटिक के अंदर हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट int max इक्वल टू 3 ले लिया। अब मेन प्रोग्राम के अंदर क्या किया कि वेरिएबल मैक्स इक्वल टू 10, 100 एंड 200, तो तीन वैल्यू हमने डिक्लेयर की, तो तीन वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो गई। अब क्या करते हैं कि एक पीटीआर पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं, इसके बाद हम उस एरे को उस पीटी पॉइंटर्स के अंदर ले लेते हैं। अब उस एरे को हम फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवा देते हैं। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें तीन वैल्यू जो है हमने स्टोर की थी, 10, 100 और 200, तो यहाँ पर इसका एड्रेस के साथ वैल्यू हमें मिल रही है। अब करते हैं पॉइंटर इंक्रीमेंट। तो हमने मैक्स वही प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर उसके उसी प्रोग्राम को हम प्लस प्लस करके उसको रन करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है वो अब देख सकते हैं कि वहीं आ रही है, लेकिन जो एड्रेस है उसका वो डिफरेंस हो चुका है। अब डिक्रीमेंट करते हैं उसी पॉइंटर्स को, तो उसके अंदर हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट की हुई है वैल्यू कि i माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस, देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस प्लस वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने माइनस माइनस वैल्यूज़ ली हुई है। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ माइनस माइनस वैल्यू का ही फर डिफरेंस है, यहाँ पर i इक्वल टू मैक्स, i ग्रेटर देन 0 और i माइनस माइनस। तो इसको भी हम कंपाइल और रन कर देते हैं, देख सकते हैं कि जो सेम प्रोग्राम है वो हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है वो पीछे से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि जो हमारा लास्ट वेरिएबल है वो लास्ट वैल्यू है वो पहले, उसके बाद सेकंड लास्ट और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। उसके बाद आते हैं पॉइंटर कंपैरिजन। तो हम पॉइंटर्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। अब मान लीजिए कि P1 और P2 जो पॉइंट्स है वो वेरिएबल्स है और वो रिलेटेड है एक दोनों के साथ।
जैसे कि कोई भी एरे होती है उसके अंदर सेम एरे होती है वो। अब मान लीजिए कि P1 और P2 जो है वो मीनिंगफुल है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रोग्राम जो है हमने प्रीवियस प्रोग्राम के यहाँ पर उसको हमने लिया हुआ है और उसके अंदर हमने इंक्रीमेंटिंग कर दिया वेरिएबल पॉइंटर, तो उसका एड्रेस जो होगा वो बढ़ जाएगा और वो इधर लेस देन या फिर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद वो एड्रेस का लास्ट जो एलिमेंट है वो एरे का उसको हम कंपेयर करेंगे, जो कि होगा एन परसेंट वेरिएबल और मैक्स माइनस वन। तो यहाँ पर हम पॉइंटर कंपैरिजन को करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि पिछले प्रोग्राम को हमने ले लिया था कि उसके बाद कांस्टेंट मैक्स 3, उसके अंदर यहाँ पर वैल्यू पीटीआर के अंदर ये, फिर यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा आईएनटी आई डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने 0 की। अब वाइल लूप के अंदर क्या किया कि वाइल पीटीआर लेस देन इक्वल टू एन परसेंट वेरिएबल मैक्स माइनस 1, तो ये सी आउट करेगा कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई उसके बाद पीटीआर, फिर हमने लास्ट में पीटीआर प्लस प्लस और आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी और पॉइंटर्स की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसको हम कंपाइल और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फिर वही प्रोग्राम मिल रहा है, उसी का हमने यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है कि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम जो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, या इसको हम दोनों वेरिएबल के अंदर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर आता है एरे वर्सेस पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स और एरे जो है वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इनफैक्ट पॉइंटर और जो एरे हो वो इंटरचेंजेबल है बहुत सारे केसेस के अंदर। मान एग्जांपल के अंदर हम ले लीजिए कि पॉइंटर्स है उसके साथ पॉइंट्स करता है बिगिनिंग में और कोई भी एरे की, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं एरे बाय यूजिंग एदर पॉइंटर अरिथमेटिक या फिर हम एरे की स्टाइल से उसको, दोनों की स्टाइल से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो हम कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें मेंटेन करनी पड़ती है एरे पॉइंटर्स की जो स्टोर करता है इंटीजर कैरेक्टर या फिर कोई भी डाटा टाइप जो अवेलेबल है C++ के अंदर। तो नीचे दिया गया हुआ डिक्लेरेशन ये डिक्लेयर करता है कि ये पॉइंटर की एरे है C++ के अंदर। अब मान लीजिए कि INT पॉइंटर मैक्स, तो यहाँ पर मैक्स जो है वो हमारी पॉइंटर की एरे हुई। अब डिक्लेयर कर किया हुआ कि उसके अंदर मैक्स जो है इंटीजर है, उसकी कोई भी इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ वो एरे है जो होल्ड करती है उसकी वैल्यू को। तो अब यहाँ पर इसको भी हम एग्जांपल के में समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर कांस्टेंट मैक्स 3, उसके बाद वेरिएबल 10, 100 और 200 यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, फिर पीटीआर वेरिएबल सेम प्रोग्राम उसी का है और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है, इसको भी कंपाइल और रन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एरे सिंपल सी हम पहले से ही डिक्लेयर करते आ रहे हैं, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है एरे ऑफ पॉइंटर। यहाँ पर एरे ऑफ पॉइंटर को भी हमने डिक्लेयर किया है, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर मैक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट, फिर वेरिएबल मैक्स और उसके 10, 100 और 200, फिर INT आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैक्स और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम इसको प्रिंट करवा देंगे, तो इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमें जो वैल्यू जो हमने स्टोर की थी वो हमें मिल रही है इसी के अंदर। यहाँ पर हमने एरे की पॉइंटर डिक्लेयर की है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है। फिर आता है पॉइंटर टू अ पॉइंटर। तो पॉइंटर टू अ पॉइंटर इज़ अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंक्रीमेंशन और चेन ऑफ पॉइंटर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इंडायरेक्शन या फिर चेन है पॉइंटर्स की, वो इसका मीनिंग होता है। नॉर्मली पॉइंटर क्या कंटेंट करता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जब भी हम कोई भी पॉइंटर डिफाइन करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, तो पहला पॉइंटर क्या करता है कि वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द सेकंड पॉइंटर, तो वो सेकंड पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करता है जो उसको पॉइंट करता है दूसरे लोकेशन के ऊपर, यानी कि दूसरे लोकेशन के ऊपर जो कंटेन करता है एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पर नीचे आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि पॉइंटर उसके अंदर पहला पॉइंटर है तो दूसरा पॉइंटर के तरफ जाता है, दूसरा तीसरे के अंदर,
तो अब क्या करता है कि जो पहले पॉइंटर के अंदर दूसरे पॉइंटर्स की वैल्यू होगी और दूसरे पॉइंटर्स के अंदर तीसरे पॉइंटर्स की वैल्यू होगी, और जो जो तीसरे तीसरे पॉइंटर्स के अंदर जो होगी वो एक्चुअल वैल्यू होगी। जो वेरिएबल जो डिक्लेयर हुआ है पॉइंटर्स टू पॉइंट, जो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है, वो प्लेसिंग होता है एडिशनल एस्टेरिक को डिक्लेयर करने से इन द फ्रंट ऑफ नेम, यानी कि कोई भी नेम से आगे उसको हम एडिशनल एस्टेरिक लगा कर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम डिक्लेरेशन करेंगे कि पॉइंटर्स टू पॉइंटर ऑफ डेटा टाइप इंटीजर, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि INT डबल एस्टेरिक लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंटर करना है तो उसको डबल एस्टेरिक और वेर वेरिएबल का नेम। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी हम वैल्यू को टारगेट करते हैं तो इनडायरेक्टली पॉइंटेड हो जाती है पॉइंटर टू पॉइंटर, और एक्सेसिंग करती है उस वैल्यू को जो रिक्वायर होती है डबल एस्टेरिक ऑपरेटर के द्वारा जो अप्लाई होता है डबल टाइम। तो इसको भी हम हमारे प्रोग्राम के एग्जांपल के अंदर समझ लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंटर टू पॉइंटर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने INT वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर INT पॉइंटर PTR, फिर INT पॉइंटर टू पॉइंटर का PTR PPTR इसको डिक्लेयर किया। वेरिएबल के अंदर 3000 हमने वैल्यू स्टोर कर दी। अब PTR के अंदर &% वेरिएबल कर दिया, PPTR के अंदर &% PTR, यानी कि हमारे जो PTR के अंदर होगा कि वो वैल्यू होगी। अब PPTR के अंदर क्या होगा कि PTR का एड्रेस होगा, इसको हमने अब यहाँ पर इसको हम प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको प्रिंट करवाते हैं। तो अब क्या होगा कि जो पहले वेरिएबल के अंदर 3000 यहाँ पर कंटेन करता है, अब पॉइंटर PTR के अंदर 3000 वैल्यू जो है अवेलेबल है, और पॉइंटर PPTR के अंदर भी 3000 वैल्यू अवेलेबल है क्योंकि इसको हमने पॉइंट किया था। फिर उसके बाद जो कंसेप्ट है पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन, तो C++ हमें अलाउ करता है कि हम पास करें पॉइंटर्स को फंक्शन। सिंपली हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शन पैरामीटर एज अ पॉइंटर टाइम। तो इसको भी हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर पासिंग अ पॉइंटर, तो उसके अंदर void get second और उसके बाद unsigned long पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है पैरामीटर। फिर इसके बाद INT main के अंदर हमने क्या किया कि unsigned long second डिक्लेयर कर दी। उसके बाद get second, उसके अंदर हमने क्या किया कि &% second हमारी जो एड्रेस है उसको पास कर दिया। अब क्या करते हैं कि उसके अंदर फिर से सी आउट स्टेटमेंट के अंदर हम सेकंड रिटर्न करवाते हैं। फिर आता है वॉइड सेकंड, उसके अंदर हमने क्या किया कि &% PR इक्वल टू टाइम और उसके अंदर नल, और उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो इसको हम कंपाइल और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेकंड्स वो है हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है क्योंकि हमने इसको फंक्शन के अंदर पास किया था और उसके अंदर से हमें ये वैल्यू मिल रही है। उसके बाद का कंसेप्ट है रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन, तो C++ हमें करता है कि हम रिटर्न करें। हमने पिछले भी वीडियोस में देख लिया कि हम रिटर्न कर सकते हैं एरे फ्रॉम फंक्शन, तो उसी तरह हम C++ अलाउ करता है कि हम रिटर्न करें पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन। कोई भी पॉइंटर्स के में से हम कोई भी पॉइंटर फंक्शन के अंदर से हम रिटर्न करवा सकते हैं। इसका ऐसा करने के लिए हमें पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन रिटर्निंग के अंदर, तो उसको हम क्या करते हैं कि INT पॉइंटर माय फंक्शन ये हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो सेकंड पॉइंट होगा वो टू रिमेंबर, इस वो रिमेंबर करेगा कि इट्स नॉट गुड आइडिया टू रिटर्न एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल टू आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। ये गुड आइडिया नहीं है कि हम रिटर्न करें एड्रेस ऑफ अ लोकल वेरिएबल टू आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, यानी कि आउटसाइड द फंक्शन के अंदर हम रिटर्न नहीं कर सकते एड्रेस लोकल वेरिएबल का। तो हमें लोकल वेरिएबल है उसको डिफाइन करना पड़ेगा एज ए स्टैटिक वेरिएबल। तो दोस्तों ये था हमारा C++ पॉइंटर्स के कुछ अहम कंसेप्ट के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें हमारे वीडियोस, हमें कमेंट कीजिए नीचे, और इसके अलावा अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।